हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानमंजरी विद्यापीठ ऑनलाइन एजुकेशन। आई एम अभिषेक गोस्वामी। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 3 एंड वी हैव डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इन द टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लॉस एंड द गवर्नमेंट एंड टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। So first of all, let's learn about laws and the government. So the government makes rules or laws to protect people and ensure its smooth functioning. Government क्या करती है? Rules बनाती है, laws बनाती है हमारे लिए, for the protection of the people, and ये ensure करती है कि काफ़ी smoothly हमारा functioning हो सके. So it also has the power to enforce these laws, that is it can make sure people follow the laws and are punished if they don't. So government ye ensure bhi karti hai, enforce bhi karti hai is laws ko, ki hame completely compulsory ye laws hame follow karne hi hai. Agar hum nahi karenge to government hame punish bhi kar sakti hai. To ye hai ki government laws banayegi aur iska enforcement karne ka kaam bhi government hi karegi. So for example, stealing other people's things is illegal. Anyone caught stealing can be jailed or fined. So stealing का मतलब क्या होता है? चोरी। अगर हम किसी की things को चोरी करते हैं तो ये illegal है, और हम चोरी करते हुए पकड़ा जाते हैं, anyone caught, तो उसको हम जेल भी और भेज सकते हैं और उसके पास से fine भी हम ले सकते हैं। तो ये एक example है कि government ने एक लॉ बनाया कि स्टीलिंग इज इनलीगल, सो एनीवन कॉट स्टीलिंग कैन बी जेल्ड और फाइंड। देन नेक्स्ट है कि इफ पीपल फील दैट समवन इज नॉट फॉलोइंग अ लॉ एंड इट इज चीटिंग देम इन सम वे, दे कैन गो टू कोर्ट एंड फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। हमारे आसपास कोई भी ऐसा हो रहा है कि लॉ का वायोलेशन हो रहा है, कोई लॉ को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, तो हम उसके सामने जाके उसके सामने केस भी कर सकते हैं कोर्ट में, और गवर्नमेंट उसको फाइन देगी या फिर जेल में भी भेज सकती है। सो ये है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की सिस्टम। जो भी गवर्नमेंट ने लॉस बनाए हैं इसको एनफोर्स करने का काम भी गवर्नमेंट का भी होगा, और अगर हमने किसी लॉ का वायोलेशन किया है तो हम जेल भी जा सकते हैं या फिर हमें फाइन भी भरना होगा। So in this picture we can see that Indian Parliament and Supreme Court of India. So first of all, the Parliament where Indian politicians meet to make laws. Parliament पे क्या होगा? Indian politicians representatives आएंगे और law making process करेंगे. But Supreme Court का काम क्या होता है? Law को define करना. The work of Parliament is making law, but work of Supreme Court is defining the law. अगर कोई लॉ इम्प्रॉपर है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल भी कर सकती है। देन लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट। वी विल लर्न अबाउट टू काइंड्स, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। सो अ मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ सिंगल रूलर मेक्स डिसीजंस अबाउट रनिंग अ कंट्री और किंगडम। इन अ मोनार्की पावर इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ द फैमिली टू द नेक्स्ट। सो मोनार्की क्या है? सिंपल मैं आपका मीनिंग बताता हूँ। मोनार्की का मीनिंग क्या है? राजा शाही। यहाँ पर कोई एक सिंगल पर्सन होगा जिसके ऊपर पूरे कंट्री, पूरे किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लॉ मेकिंग प्रोसेस से लेकर लॉ को एनफोर्स करना, ये सभी ओनली सिंगल वन पर्सन के पास होता है। इट इज़ द मोनार्की। डेमोक्रेसी इट इज़ द अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये मोनार्की से काफ़ी डिफरेंट है, बट मोनार्की में आपको यही याद रखना है कि मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ सिंगल रूलर मेक्स डिसीजंस अबाउट रनिंग अ कंट्री और किंगडम। इन अ मोनार्की पावर इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ द फैमिली टू द नेक्स्ट। मोनार्की में क्या होगा? पावर
ये पास होगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मीन्स जो राजा का सन होगा इसको नेक्स्ट पावर मिलेगी। यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं होगा, कोई पीपल की पर्सन की राय नहीं ले जाएगी, सिर्फ जो भी किंग है उसका बड़ा सन होगा, यही नेक्स्ट किंग बनेगा। सो मोनार्की में पावर पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट अनदर जनरेशन। देन डेमोक्रेसी की बात करें, अ डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल ऑफ द कंट्री मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री टूगेदर। अ डेमोक्रेसी कैन बी डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स आर डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ एवरी डिसीजन मेड। सो डेमोक्रेसी इट इज द अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की। डेमोक्रेसी में क्या होगा, ऑल पावर बिलोंग्स टू पीपल, सभी पावर है ये पीपल के पास होगी, नॉट एनी सिंगल रूलर के पास। यहाँ पर पीपल का रूल होगा। डेमोक्रेसी में क्या होगा, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और ये सभी लॉ मेकिंग प्रोसेस का काम करेंगे। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल ऑफ अ कंट्री मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री टूगेदर। अ डेमोक्रेसी कैन बी डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी के भी दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा, कोई भी लॉ बनाना है तो वोटिंग होगी, पीपल एवरी सिटीजन्स के को पूछेगी कि आपको ये लॉ मंजूर है या फिर नहीं। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और ये रिप्रेजेंटेटिव है ये डिसाइड करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस को। तो दिस इज द डेमोक्रेसी। सो इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होगा, मैंने आपको बताया था सिटीजन एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और ये सभी लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। सो हियर वी कैन सी दैट कंपेयरिंग मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, वट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ मोनार्क किंग और क्वीन मेक्स द डिसीजंस फॉर द कंट्री। इन द मोनार्की क्या होगा, कोई एक पर्सन है जिसको हम क्या कहेंगे, मोनार्क। वो किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है और ये सभी पूरे कंट्री के लिए डिसीजन बनाएंगे। देन डेमोक्रेसी में क्या होगा, ऑल सिटीजन्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू वोटिंग। डेमोक्रेसी में क्या होगा, सभी सिटीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए बाय द वोटिंग। देन मोनार्की की बात करें, पावर इज पास्ड ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द मोनार्क। मोनार्क के जो भी चिल्ड्रन होंगे इसी को डायरेक्टली पावर मिल जाएगी। बट डेमोक्रेसी में क्या होगा, एवरी सिटीजन हैज पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। बट डेमोक्रेसी में प्रॉपर एक वोटिंग होगी और वोटिंग के द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। देन द मोनार्क डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन हीज और हर डिसीजंस टू द पीपल। मोनार्क कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द लॉ मेकिंग प्रोसेस। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी एक लॉ इम्प्रॉपर है तो हम उसके सामने आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे इन मोनार्की। जो भी किंग मोनार्क ने डिसाइड किया यही सच्चा, उसके सामने हम नहीं जा सकते। मीन्स मोनार्क डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन हीज और हर डिसीजंस टू द पीपल। ये कभी भी एक्सप्लेन करने नहीं बैठेगा कि जो मैंने लॉ बनाया ये किसके लिए है। बट डेमोक्रेसी की बात करें, एवरी डिसीजन हैज टू बी इन लाइन विद द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में जो भी रूल्स बनेंगे, लॉ बनेंगे, ये भी पीपल के अकॉर्डिंग होंगे। और अगर पीपल को जानना है कि ये लॉ मेकिंग प्रोसेस का रीज़न क्या था तो ये भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमें बताएंगे। देन फोर्थ पॉइंट, सिटीजन मे और मे नॉट हैव राइट्स। इन द मोनार्की सिटीजन्स मे और मे नॉट हैव
rights. But democracy, while the majority rules, every citizen has rights. तो यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी में सभी पर्सन के पास राइट्स होंगे. राइट्स की बात करूँ तो राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, देन राइट टू स्पीच, ये सभी हमारे पास राइट्स है. ये राइट्स हमें मिलेंगे, कोई इसे मना नहीं कर सकता. जैसे कि राइट टू फॉलो वन रिलीजन, एनी रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. तो ये हमारे राइट्स है. हम कुछ भी वर्ड्स बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, हम कुछ भी कुछ कर सकते हैं, कोई भी थिंकिंग कर सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता. बट मोनार्की में ये सभी राइट्स नहीं होंगे सिटीजन के पास. देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 15.1. सो डिफाइन अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच people of the country collectively make decisions for the country. As we discussed in our previous slides, democratic government kya hogi, yahan par people, sabhi people collectively law making process mein participate karenge. Then second question, which form of government gives more freedom to the people. Kaun si government hame zyada freedom degi, democratic ya fir autocratic. So, a democratic government gives more freedom to the people because the people are involved in decision-making process. Therefore, if they are not happy with a certain decisions, they can share their opinions and work towards changing the decision. Democratic government mein sabse zyada freedom people ko milegi kyunki people are involved in the decision-making process. And कोई भी डिसीज़न जिसके साथ अनहैप्पी है पर्सन, तो ये अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं और उसको चेंज करने के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल के पास है, ये चेंज भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में सभी टाइप की पावर पीपल को मिली हुई है. बट मोनार्की में क्या होगा, एक मोनार्क होगा, किंग होगा, ये जो भी कुछ कहेगा ये हमें कंपलसरी फॉलो करना होगा. यहां पर हमारा कोई ओपिनियन नहीं होगा. देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 15.3. सो हाउ इज द पावर पास्ड ऑन इन अ मोनार्की. मोनार्की में पावर किस तरीके से पास होगा. सो इन अ मोनार्की पावर इज पास्ड ऑन द सन और डॉटर ऑफ द मोनार्क. अगर मोनार्क की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पावर मिलेगा उसके सन या फिर डॉटर को. देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 15.4 एंड इट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन ऑल डिसीजंस मेड इन अ ब्लैंक डेमोक्रेसी. तो यहां पर राइट आंसर आएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहां पर सिटीजन है, ये डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके ये सभी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे. बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सभी पर्सन लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे. देन सेकेंड फिल इन द ब्लैंक, अ मोनार्की गिव्स ऑल द पावर टू अ ब्लैंक और ब्लैंक. सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा किंग और क्वीन, क्योंकि मोनार्की में मेन पावर होती है सिंगल रूलर के पास, और वो किंग भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकती है. देन लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज हाउ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्ड. सो इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर एवरी सिटीजन हैज द राइट टू चूज लीडर्स who will form the government and make decisions for them. India is a representative democracy, indirect democracy hai. Hamare India mein koi bhi law making process ke liye sabhi citizen usme participate nahi karenge. Isme ek process hoti hai, jaise ki hum apne area ke representative ko elect karenge aur ye sabhi law making process mein involve hoge. So India is a representative democracy. In this picture, we can see that there are many
people in one picture and in the next picture we can see that only three person. तो क्या होगा, ये तीन person, ये सभी person के representative होंगे. So the government is formed by regular elections where every adult citizen of the country votes for the person or the party they wish to elect. So government एक regular election के द्वारा form होगी जहां पर सभी adult citizen means जिसकी age above 18 है, ये सभी voting करेंगे और कोई एक person और कोई party को elect करके उसको representation देगी. So the people with maximum votes become the leaders of the country. जिसको सबसे ज़्यादा votes मिलेंगे, जिसको majority मिलेगी, ये सभी हमारे इंडिया के कंट्री के लीडर्स बनेंगे. सो द कम टुगेदर टू मेक डिसीजंस अबाउट हाउ द कंट्री इज टू बी रन. और ये सभी एक साथ मिलके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करेंगे और इससे हमारा कंट्री गवर्न हो पाएगा. सो टुडे फॉर अ गवर्नमेंट टू बी अ डेमोक्रेसी इट हैज टू हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अगर कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है तो उसमें कंपलसरी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए. सो दिस सीम्स लाइक अ कंफ्यूजिंग टर्म बट लेट्स ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है बट हम अब इसके बारे में देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल मीन्स रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और ऑल. यूनिवर्सल मीन्स क्या है, सभी के लिए लागू हो ऐसी कोई बात. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट. एडल्ट मीन्स पीपल ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स. एडल्ट का मीनिंग क्या होता है, जो भी पीपल जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है इसी को हम कहते हैं एडल्ट. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज मीन्स द राइट टू वोट. वोट देने का अधिकार, इट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइज. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स एवरी सिंगल एडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री द राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेसी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होगा, सभी एडल्ट सिटीजन इसको राइट होगा कि ये सभी वोट दे सकते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिच पुअर मैन वुमन यूथ एल्डरी ये सभी एक साथ वोट करेंगे. यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी. सभी रिच पुअर मैन वुमन यूथ एल्डर सभी वोट कर सकते हैं. सो इन इंडिया एनी सिटीजन हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 इज एलिजिबल टू वोट. सो हियर वी कैन सी दैट वन फिल इन द ब्लैंक. सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड्स ब्लैंक वेयर सिटीजन वोट टू चूज देयर लीडर्स. सो यहां पर राइट आंसर आएगा इलेक्शंस. हमारे इंडिया में और कई सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर सिटीजन्स वोट करते हैं और अपने लीडर्स को चूज करते हैं. देन लेट्स मूव टू कॉन्सेप्ट टाइम 17. सो इन अर्लियर टाइम्स वुमन एंड पुअर पीपल वर नॉट अलाउड टू वोट बिकॉज दे वर नॉट सीन एज इक्वल टू रिच मैन. दे हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू वोट. अर्लियर टाइम्स में मैं आपको बात करूं नियर अबाउट 17th-18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि वुमन है और जो पुअर पीपल है इसको अलाउ नहीं था, इसको परमिशन नहीं थी कि आप वोट दो. तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये सभी ने फाइट की, रिवॉल्यूशन लाए और राइट टू वोट के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई. और अभी ऑलमोस्ट एवरी डेमोक्रेसी में सभी के सभी सिटीजन के पास राइट टू वोट है कि अगर उसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर है तो ये वोट दे सकते हैं. सो इट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो इट इज़ द राइट ऑफ एवरी एडल्ट इन अ कंट्री टू वोट एंड मेक डिसीजंस इन द डेमोक्रेसी. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो हियर वी कैन सी दैट हु कैन वोट. वोट कौन कर सकता है इन इंडिया. So any Indian citizen who has attained the age of 18
इज़ एलिजिबल टू वॉट? कोई भी इंडियन सिटीज़न जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है ये वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट रिच पर्सन, पुअर पर्सन, मैन, वुमन, यूथ, एल्डर, दे ऑल आर इक्वल इन द वोटिंग प्रोसेस. देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 16.1 एंड इट इज वॉट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो आंसर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन इन अ कंट्री टू वॉट एंड मेक डिसीजन्स इन द डेमोक्रेसी. देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 16.2. सो इमेजिन यू वर अ वूमन और पुअर पर्सन लिविंग इन अ कंट्री वेर यू वर नॉट अलाउड टू वोट. रिच मैन वोटेड एंड मेड डिसीजन्स फॉर यू. राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग यू वाई यू फेल्ट द सिस्टम वॉज अनफेयर. ऑल्सो राइट अबाउट थ्री रीजन्स वाई यू एंड अदर्स लाइक यू शुड बी अलाउड टू वोट. प्रैक्टिस क्वेश्चन 16.2 ये है कि इमेजिन करो कि आप एक वुमन हो या फिर कोई पुअर पर्सन हो जिसको वोटिंग करने का राइट नहीं है एंड यहाँ पर रिच मैन अपना डिसीजंस बना सकते हैं, ये सभी वोट कर सकते हैं. तो आपको एक डायरी लिखनी है, नोट लिखनी है जिसमें हमारे अपनी सिस्टम के बारे में लिखना होगा कि सिस्टम वॉज अनफेयर एंड आपको रीजंस भी लिखने होंगे कि आपको क्यों वोटिंग प्रोसेस के लिए अलाउ करना चाहिए. सो आंसर देख लेते हैं. डियर डायरी, द नेशनल इलेक्शंस वर हेल्ड टूडे एज यूजल ऑन द रिच मैन वर अलाउड टू वोट. मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री मेड अप ऑफ वुमन एंड पुअर पीपल हु आर स्टिल नॉट गिवन द राइट टू वोट. सो स्टार्टिंग में आपको लिखना होगा कि जो नेशनल इलेक्शंस हुए उसमें रिच पर्सन को ही अलाउ किया गया फॉर द वोटिंग प्रोसेस और हमारे कंट्री में हाफ पॉपुलेशन से ज़्यादा तो वुमन और पुअर पीपल है जिसको वोटिंग राइट अभी भी नहीं मिला हुआ है. सो दिस मेक्स मी वेरी एंग्री एंड सैड. इफ आवर कंट्री होल्ड्स इलेक्शन शुड नॉट एवरीवन्स वोट काउंट? आर नॉट वी ऑल सिटीजन्स द सेम कंट्री? By not allowing us to vote, the government will never know our needs and problems. So, this makes me very angry and sad. इससे मैं काफ़ी angry हो गया, काफ़ी sad हो गया. हमारे country में क्या सभी को voting देने का right नहीं है? क्यों हमारे country में सभी person equal नहीं है? And अगर हम voting नहीं करेंगे तो हमारी government को कभी भी पता नहीं चलेगा हमारी needs क्या है, problem क्या है. So it is only by voting that women and the poor can ensure the government will make decisions for their benefit too. So अगर voting right woman और poor person को मिलेगा तभी government को पता चलेगा कि उसके लिए भी हमें decisions बनाने होंगे. क्योंकि government क्या करती है, only rich person पे ही focus करती है in this case, ये situation में ही. Then I believe that if we get to vote we will at least be seen as equals. अगर हमें voting right मिल जाता है तो हम अपने आप को मानेंगे कि हमारे country में सभी person equal हैं. So it would help the government address all the needs of the people and create a better society. और इससे क्या होगा, हमारी government सभी people की needs को fulfill कर पाएगी और एक better society का creation करेगी. सो ये एक डायरी है. ये डायरी आपको अपनी सप्लीमेंट्री बुक में नहीं बट आपको फेयर बुक में लिखनी होगी इसका आंसर. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर क्या है कि एक सिचुएशन है कि जहाँ पर वुमन और पुअर पर्सन को अलाउ नहीं किया जाता फॉर द वोटिंग प्रोसेस, ओनली रिच पर्सन हैज़ राइट टू वोट. तो इससे क्या होगा, पुअर पर्सन और वुमन के लिए गवर्नमेंट कभी भी काम नहीं करेगी और इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ेगी. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर हमने देखा. सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा. सो दिस इज अबाउट अवर चैप्टर नंबर 3. वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल
start our chapter number 4 and we will complete our social and political life part 1. So I hope you understood very well about this video lecture, and if you have any doubts regarding this topic, you can ask me anytime. So now this is end of the video. Thank you for watching this video. Have a nice day.